स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 7 है सेकंड ईयर की बायोलॉजी में से सेल साइकिल। तो उसका इंट्रोडक्शन इस वीडियो के अंदर है कि सेल साइकिल क्या होती है। हमने चैप्टर नंबर 4 के अंदर फर्स्ट ईयर की जो बायो है उसके अंदर हमने सेल थ्योरी पढ़ी थी और 9th ईयर भी एक सेल थ्योरी पढ़ी थी, एक ही चीज़ में दोनों। तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था जो रुडोल्फ हर्शल ने शामिल किया था सेल थ्योरी के अंदर, वो ये था कि ऑल द सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऑल दी सेल्स अराइज फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। इसका मतलब ये है कि जितने भी न्यू सेल्स बनते हैं उनकी फॉर्मेशन पहले से मौजूद सेल्स की फर्दर डिवीजन के जरिए से होती है। अगर सेल्स को हम किसी मटीरियल पार्टिकल की तरह, जैसे नॉर्मल हमारे पास फिजिकल चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक है या लकड़ी है, कुछ भी है, उसकी तरह से अगर हम इसको कंसिडर करते हैं तो उसकी डिवीजन से इस तरह से अगर ये हाफ होता है पहले उसमें, तो दूसरे डिवीज़न के अंदर ये मजीद हाफ हो जाएगा, तीसरे डिवीज़न के अंदर ये मजीद हाफ हो जाएगा, इस तरह से ये छोटे से छोटा होता चला जाएगा। लेकिन चूंकि ये कोई मटीरियल थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग नहीं है, सारे एक लिविंग थिंग है, तो सेल के अंदर जो है वो फर्दर प्रोसेसेस भी होते हैं जिसकी वजह से ये अपने साइज को मेनटेन रखता है। तो वो जो मेनटेनेंस है वो सेल के अंदर दो तरह के फेजेस आते हैं पूरे सेल की लाइफ में। वो जो सेल की पूरी लाइफ होती है उसको हम कहते हैं सेल साइकिल, और वो दो स्टेजेस जो होते हैं वो होते हैं एक इंटर फेज और एक डिवीजन फेज। डिवीजन फेज में बिल्कुल इसी तरह से डिवीजन होती रहती है कि एक सेल दो में टूटे, दो सेल चार में टूटे, चार सेल जो है वो आठ में टूटे, और आठ 16 में, एंड फर्दर 16-32 के अंदर, एंड सो ऑन। तो ये डिवीजन होती है। अगर ये डिवीजन चलती रहे और सेल अपना साइज को इंक्रीज ना करे तो सेल छोटे से छोटा होता चला जाएगा, और साथ साथ सेल्स की डेथ भी होती जाती है। कुछ सेल्स जो है वो मरते चले जाते हैं, डेथ होती जाती है उनकी, तो वो जो डेड सेल्स हैं वो कम होते चले जाएंगे और सेल का साइज़ जो नतीजे के तौर पर जो सेल का साइज़ होगा वो छोटे से छोटा होता चला जाएगा जो भी चीज़ है। तो उसमें क्योंकि लिविंग थिंग है तो इसके अंदर एक इंटरफेज मौजूद होता है। इंटरफेज वो फेज होता है जिसके अंदर सेल प्रिपेरेशन करता है अपनी डिवीजन के लिए। तो डिवीजन के लिए प्रिपेरेशन करता है, अपना वो जो मैक्सिमम साइज होता है उसको रिटेन करता है, अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स जमा करता है, अपना डीएनए प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद जो है डिवीजन फेज की तरफ जाता है। सेल के जो दो फेज है, एक इंटरफेज और एक डिवीजन फेज, तो इंटरफेज के अंदर सेल का साइज इंक्रीज होता है और सेल जो है वो इंक्रीज होता है। डिवीजन फेज के अंदर किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं होती, ठीक है, ये बात आप लोग अच्छी तरह से ध्यान में रखें। अक्सर ये चीज़ आती रहती है, डिवीजन फेज के अंदर किसी भी किस्म की कोई ग्रोथ नहीं होती। जो ग्रोथ का फेज है वो इंटरफेज है। इंटरफेज के जो फर्दर इसके फेजेस हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये दो चीज़ें आपके सामने क्लियर हो जानी चाहिए कि इंटरफेज होता है और डिवीजन फेज होता है। अच्छा, अगली बात जो है हमारी उसकी तरफ आ जाइए कि डीएनए क्या होता है। डीएनए इसके अगर हम इसको डिफाइन करें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड सबको मालूम है, और डीएनए के अंदर जितनी भी मालूमात होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो कोडेड होती हैं। इससे मुराद ये है कि जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म होगा उतना ज़्यादा उसका डीएनए होगा, क्योंकि उसकी कोडिंग भी उतनी ज़्यादा होगी। तो जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म उतना ज़्यादा उसका डीएनए, ठीक। अच्छा, डीएनए एक्टिवेशन क्या होती है। डीएनए के अंदर अभी मैंने बताया कि किसी भी जानदार की तमाम इन्फॉर्मेशन होती है, लेकिन हर सेल के अंदर वो तमाम की तमाम इन्फॉर्मेशन एक्टिव नहीं होती। मिसाल के तौर पे अगर हम अपना स्किन को ऑब्जर्व करें और अपनी आई को ऑब्जर्व करें और अपनी टंग को ऑब्जर्व करें, इन तीनों चीज़ों के जो सेल्स हैं इसको निकाल के अगर हम स्टडी करें तो इन तीनों सेल्स का स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा, इसके अंदर पाए जाने वाले मटेरियल्स भी डिफरेंट होंगे और उनके अंदर बनने वाले केमिकल्स भी डिफरेंट होंगे, ठीक है। साथ में हम किसी भी बॉडी के ऑर्गन का अगर हम सैंपल लेते हैं तो सारी चीज़ें हमें डिफरेंट नज़र आती हैं, लेकिन उस पूरी बॉडी के अंदर हम कहीं से भी सेल्स लें उनका डीएनए सेम होगा। तो जो डीएनए की सिमिलैरिटी है और सेल्स का डिफरेंट होना है, ये इस वजह से है कि स्किन वाले पार्ट के अंदर स्किन वाले पार्ट का डीएनए है सिर्फ वो एक्टिवेट है, टंग वाले पार्ट के अंदर जो सिर्फ टंग वाले पार्ट का डीएनए है सिर्फ वो एक्टिवेट है। इसी तरह से जो भी पार्ट हम लेते हैं उसका डीएनए एक्टिवेट है। सिर्फ एक्टिवेशन ऑफ डीएनए, एक्टिवेटेड डीएनए सिर्फ ऑर्गन्स में नहीं पाया जाता। हमारे पास सेल की डिवीजन किस तरह से होगी ये भी डीएनए गवर्न करता है, सेल मरेंगे कब ये भी डीएनए गवर्न करता है, और डीएनए के अंदर वो एंजाइम्स और उन केमिकल्स का भी कोड मौजूद होता है जो किसी भी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, एंटीबॉडीज बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बस जितनी भी चीज़ें हैं उन सब का मटीरियल या कोड जो है वो डीएनए की फॉर्म में मौजूद होता है और अपने टाइम पर एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये अलग बात है किस तरह से एक्टिवेट होता है, लेकिन अपने टाइम पर एक्टिवेट हो जाता है। इसी तरह से सेल्स की डेथ है। सेल की डेथ किस तरह से होती है। बाज़ अवकात ऐसा होता है कि
सेल की डेथ जो होती है प्रोग्राम होती है, मतलब डीएनए के जरिए, डीएनए के अंदर ऐसे एंजाइम्स, ऐसे केमिकल जो एक्टिवेट होते हैं जो कि उसको कुछ अरसे के बाद जाके किल कर देते हैं, या कुछ ऐसे एंजाइम्स और ऐसे केमिकल्स एक्टिव होते हैं जो उसकी मजीद ग्रोथ नहीं होने देते, मजीद उसको जो है फर्दर डिविजन फेज में जाने नहीं देते। तो इस वजह से सेल अपना टाइम पीरियड पूरा करने के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो इस डेथ को हम कहते हैं एपोप्टोसिस। और कोई डेथ अगर इस वजह से हमको कोई इंजरी हो जाए, डीएनए के अंदर ये चीज़ प्रोग्राम नहीं है कि इसको मरना है, लेकिन अगर किसी भी चीज़ की वजह से कोई बैक्टीरिया हमलावर हो गया, वायरस हमलावर हो गया, कुछ भी हो गया, एक्स वाई जेड कुछ लग गई, कुछ हो गया, तो उसके अंदर वो जो डेथ होती है सेल की वो कहलाती है निक्रोसिस। ठीक है, या तो पॉइजनिंग की वजह से भी ये डेथ हो सकती है निक्रोसिस, किसी भी वजह से अदर देन जो डीएनए के एक्टिवेशन की वजह से डेथ होती है, अदर देन प्रोग्राम डेथ, जो भी डेथ होगी उसको हम कहेंगे निक्रोसिस। ठीक है,